22 अगस्त 2023। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं तो आप कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले आप सोच लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर ही फॉरवर्ड कीजिए। अभी अभी एक हमने पहले भी देखा है, ये मैटर मद्रास हाईकोर्ट के सामने थी, वो सुप्रीम कोर्ट में गई। वी एस वी शेखर, जो साउथ के बड़े एक्टर और वो पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने एक जर्नलिस्ट के लिए एक भद्दा सा मैसेज था वो फॉरवर्ड किया और उसके सामने FIR हुई और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की मद्रास हाईकोर्ट में 482 में कि ये क्वाश किया जाए, तो मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरफियर कर मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम क्वाश नहीं कर सकते, वो मैटर, वो रिफ्यूज़ल ऑफ क्वाशिंग, उसके सामने वो गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि हम इसमें हम दखल नहीं दे सकते, आपको ट्रायल में ही जाना पड़ेगा, आप इतने पढ़े लिखे हो, इतना नाम है, तो आपको फॉरवर्ड करने से पहले सोचना चाहिए। अगर आप फॉरवर्ड करते हो तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो सही है और दूसरे भी ये पढ़े, उसके लिए आपने फॉरवर्ड किया है। तो माफ़ी भी एक्सेप्ट नहीं हुई है और ये मैटर ट्रायल में जाएगी। शेखर वर्सेस गोपाल स्वामी।